हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कुछ वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पूर्वज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से शुरू हो रही है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दौरान परिजन अपने पूर्वज के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और कर्मकांड जैसे कार्य करते हैं। कहा जाता है पितृपक्ष के दौरान ऐसा कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद वंशजों पर बना रहता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। ज्योतिष गणना के अनुसार पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से दोगुना फल की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि पितृपक्ष के दौरान किन चीज़ों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि 17 सितंबर से इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, कर्मकांड और तर्पण से पितरों की आत्मा की शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दौरान कुछ दान पुण्य करने से दोगुना फल की प्राप्ति भी होती है।